प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत की ओर से उद्योग भवन में प्रेस वार्ता की गई। मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन में अब तक हुए 10.44 लाख करोड़ रूपये के एमओयू व एलओआई हो चुके हैं। 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संभावना है। इस समिट में विभिन्न सेक्टर व उद्योगों के करीब 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। पर्यटन, एनआरआर, एमएसएमई, एग्री बिजनेस, स्टार्टअप्स व फ्यूचर रेडी सेक्टर पर कॉन्क्लेव पर भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान इतिहास रचेगा, न केवल प्रदेश में निवेश होगा बल्कि धरातल पर नजर आएगा। समिट के लिए अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा हो चुकी है। वहीं 10.44 लाख करोड़ के एमओयू और एलओआई पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने कहा कि हमारे प्रदेश में वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो निवेशकों को जरूरत होती है। एसीएस वीनू गुप्ता ने कहा कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट को सफल बनाने को लेकर तैयारियां की गई हैं। इसके लिए सभी कलेक्टर्स व संभागीय आयुक्तों को राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी निवेशक उनके पास आए उससे अप्रूवल लिया जाए। ये 7 और 8 अक्टूबर की जो समिट है, इसमें लगभग 3000 प्रतिभागी शिरकत करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ऑलरेडी करीब 1500 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी महीने भर का से भी ज़्यादा का समय बाकी है, तो 3,350 प्रतिभागी इसमें संभावित हैं, जो न केवल राजस्थान के होंगे बल्कि विदेश से भी आ रहे हैं और देश के विभिन्न भागों से, प्रांतों से आ रहे हैं। जो 2 दिन का कार्यक्रम है उसमें पहले दिन इनॉग्रल सेशन है लंच तक, और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे पास बहुत सीनियर इंडस्ट्री मेंबर्स जैसे श्री सी के बिरला, श्री विक्रम किर्लोस्कर, श्री अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के जो हैं, आईटीसी के चेयरमैन श्री संजीव पुरी, श्री संजीव बजाज, जेसीबी के ग्लोबल सीईओ ग्राम मैकडोनल्ड जो विशेष रूप से लंदन से आ रहे हैं।